गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारे ब्लॉग्स भी अच्छे लग रहे होंगे। तो सुबह के बजे हैं 7:45 और अभी मैं कोशिश करती हूँ, ये प्रैक्टिस कर रही हूँ कि रोज़ सुबह सुबह उठूँगी 6:30 बजे। उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके छत पे आके अच्छे से नेचर थोड़ा एक्सपीरियंस करना, वो सब मतलब अच्छा लगता है। तो वही सब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, देखती हूँ कितने दिन होता है। ज़्यादा दिन हो तो ऐसे ही लाइफ लॉन्ग रहे तो बेटर है। फिर सूर्य जल चढ़ाना वो सब करना मुझे, एक्चुअली शादी के पहले भी मैं करती थी, पर शादी के बाद थोड़ा मिस हो गया। तो सोचा कि फिर से वही रूटीन लेके आते हैं और अच्छा भी लगता है, मतलब एकदम दिन अच्छा शुरू होता है, ऐसे फील होता है। तो ये सब करके मतलब जब अच्छा लग रहा है तो वही कंटिन्यू करना चाहिए। आज बहुत ही सुंदर है, एकदम क्लियर ब्लू स्काई। और ये चिड़ियों का हमारा पानी, उनको हम इस कटोरी में पानी देते हैं। बाकी एकदम सुंदर सा माहौल है। सुबह के टाइम जो शांति रहता है ना, वो जो काम बहुत अच्छा लगता है। बस मतलब ऐसे बर्ड्स की आवाज़, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स दिखती है, कितनी सुंदर सुंदर बर्ड्स दिखती है यहाँ पे, तो वो सब एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। तो अभी चलते हैं नीचे और तैयारी करते हैं ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट क्या खाएं वही सोच रहे हैं, तो ठीक है दिखाते हैं आप लोग को भी क्या खाएं। तो इस ब्लॉग को भी करते हैं स्टार्ट, पूरा एंड तक देखिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में बनाए हैं पोहा, आज इसी का मन कर रहा था, सोचा कि खा लेते हैं। तो अभी 12:30 हो रहा है टाइम और हम लोग करेंगे लंच। तो लंच पे आज बहुत ही सिंपल लंच है, क्योंकि आज कुछ वैसा कुछ खाने का मन नहीं कर। तो लस्सी बनाई हूँ, साथ में फ्राइम्स हैं और मूंग दाल है, आलू भाजा है, साथ में है राइस। तो यही है आज का वेरी सिंपल लंच। तो खा लेते हैं, कौस्तुभ को बुलाते हैं, वो तो लेट से आता है। ये होता है एकदम बेस्ट लंच, दाल भात आलू भाजा। तो अभी तक मैं कर रही थी मेरे फ़ोन को चार्ज, और इतनी देर चार्ज करके अभी शायद 69% हुआ है। तो फिलहाल निकलते हैं और जाते हैं घर पे। तो शाम को जैसे कि आप लोग को पता ही है मेरा रूटीन रहता है घर पे जाना। बेसिकली मैं हमेशा सोचती हूँ आप लोग को अच्छे अच्छे कंटेंट दिखाऊंगी, अच्छी जगह जाऊंगी, बट समहाउ कोलकाता का वेदर ऐसा है कि वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि मैं कहीं जाऊँ और आप लोग को दिखाऊँ। देख लो खा पी के सोए हुए हैं। हाँ, तो इसलिए हम लोग कहीं ऐसे घूमने जा नहीं सकते हैं अभी फ़िलहाल, तो देखते हैं कब जा पाएंगे। अभी वैसे जाते हैं घर पे और आपको यही वाले ब्लॉग्स अभी देखने पड़ेंगे कुछ देर। आज तुम नहाई हो, कम 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 टू मामू, बेटा तो कर फेवरेट फेवरेट एक एक करके साथ ना। तुम्हें आमा के जानना दिए देखते पे छिले नहीं, उन्हें बिस्किट पानी पे होके खाने हैं। आए बेकू खाने ब्राउनी इन्हें, तो अभी 6 बज गए हैं और मुझे जाना है थोड़ा मोर डिपार्टमेंटल स्टोर कुछ कुछ सामान लेने के लिए। और आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को मम्मी ऐसे नज़र उतारती है ड्राई रेड चिली से, तो वही ख़त्म है, वो लेके आना है
वास्तव से सबसे, मतलब घर पे जो भी लोग हैं सबके ऊपर से नज़र उतारी जाती है, तो वही करना है। तो कितने लोगों की, पता नहीं कितने लोगों की बुरी नज़र लगती है। तो आ जाई है घर पे रेशमा ऐसे ही डिस्कस करने के लिए, बातें बातें करने के लिए। हाय प्रोशद, दे बता तेरी है ময়লা উঠেছে না গায়ে, চুপচাপ খুব একটা কিছু। तो बड़ी मम्मी बनाई है बेसन का चीला, यह है स्पेशली फॉर रेशमा। वेज ऑमलेट ब्राउनी, समहाउ मोनो होच्छे नॉन वेज। এটা তো ভালো ব্রেকফাস্ট, ব্রেকফাস্টে খায়। এটা দিয়ে খিদে বাড়ে জানো, বেসন করে। तो बड़ी मम्मी बहुत ही टेस्टी बेसन का चीला बनाई थी जो अभी हम लोगों ने खाया, और रेशमा जाएगी अभी बाहर थोड़ा, उसके बाद जब वो आ जाएगी फिर ही मैं जाऊंगी, क्योंकि मम्मी रूम में जो रूम से आती है फिर ही मैं निकलू। तो अभी हम लोग करेंगे डिनर को गरम। बनाई है पनीर कोफ्ता, जो कि ऐसे थोड़ा खिचड़ी टाइप हो गया है रात को। माइक्रोवेव करना है, माइक्रोवेव बना। और है फ्राइड राइस, वो थोड़े लिए मैं आहा, थोड़े लिए मैं आहा मंगाया, ये बहुत स्वाद है ना खान। तो मम्मी तेन मैं आहा ले आता खा के देखिए, बहुत स्वाद है। ब्लिंकिट से मैं मंगाई, ये बहुत टेस्टी होता है, आप लोग एक बार ट्राई करके देखना, बहुत एडिक्टिव। साथ में जिंजर बिस्किट और जैगरी पाउडर, और फ्री दिया है किड्स सेरेलैक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, 9 बज गए हैं, आज लेट हो गया है। গরমকালে হয় এটা, ঘাম বললাম তো, ঘামে বলছি ওরা হয় না। হ্যাঁ আমাদের আমাদেরও তাহলে হতো। कैसा लगा ये चनाचूर, स्वाद है ना? अच्छा। तो गाइस आ गई हूँ मैं घर पे, और टाइम हो रहा है 10:15। तो आज वैसे ही सिंपल व्लॉग था, कहीं बाहर तो गए नहीं, एक्चुअली 2-3 दिन से कहीं बाहर जा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि वैसा कुछ काम भी नहीं है, और ऊपर से गर्मी गर्मी भी रहता है, तो इसलिए जा नहीं रही हूँ। थोड़ा वेदर ठीक होगा तभी मैं बाहर जाऊँगी, और आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँगी। तब तक के लिए यही व्लॉग देखिए, और ऐसे ही देखते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग के साथ, पूरा व्लॉग देखिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय।